आप लोगों को पार्ट वन में टेबल लर्न करने के लिए भी दी थी और कुछ मल्टीप्लाई भी हम लोगों ने किया था, तो आई होप आप लोगों ने टेबल अच्छे से लर्न कर ली होगी। 12th तक टेबल लर्न करने का मैंने आपको बोला था और PDF फाइल भी आपको टेबल सेंड की थी, ठीक है। तो अगर जिस किसी का भी अभी टेबल लर्न करना बाकी है तो आप लोग अच्छे से पहले टेबल लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इजी ट्रिक्स दी गई हुई है टेबल की, ठीक है। इजी ट्रिक्स क्या है, जैसे 1/2, तो 1/2 टू की टेबल सभी को आती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 * 2 = 3, 2 * 2 = 4, फिर सेम से ऐसे आगे नंबर बढ़ जाएंगे, 3 * 2 = 6, 4 * 2 = 8, 5 * 2 = 10, 6 * 2 = 12, 7 * 2 = 14, 8 * 2 = 16, 9 * 2 = 18, और लास्ट में 11 * 2 = 20, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी 2P टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके नीचे देखो 5P टेबल दी हुई है, 20 8। आप लोगों ने कैट को देखा है, एक एक कितने लेग्स होते हैं,
तो इस टाइप से ये कंप्लीट हमको
यूटिलाइजिंग हमको कोई परफेक्ट कल्चर आना चाहिए। ठीक, अब इसके नेक्स्ट पार्ट थ्री में हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पेज नंबर 124 से स्टार्ट करेंगे पार्ट थ्री में। तो अगर जो भी समझा है आपको और जिससे भी टेबल याद नहीं किए वो अच्छे से टेबल को लर्न करें, कॉपी में राइट करके देखें, क्योंकि अगर आपको टेबल लर्न नहीं होगी तो आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से टेबल को लर्न करना है, फिर ये मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये छोटे मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको बड़े मल्टीप्लाई करेंगे, टू डिजिट के, थ्री डिजिट के, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ओके, थैंक यू।